व्यक्ति के शरीर में अलग अलग अंगों पर तिल होना शुभ और अशुभ का संकेत देता है, लेकिन शरीर के कुछ अंगों के तिल ऐसे होते हैं जो राजयोग लिखवा कर ऐसे लोगों की किस्मत से आते हैं। इन लोगों को दौलत शौहरत के साथ राजा जैसी जिंदगी जीने का मौका मिलता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार शरीर के अंगों पर तिल होने से जीवन में धन दौलत और शौहरत भी मिलती है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ अंगों पर ऐसे तिल पाए जाते हैं जिससे कम मेहनत में सफलता मिलती है। शरीर पर तिल होना सौभाग्य को बढ़ावा देता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि शरीर के किन अंगों पर तिल होना शुभ और अशुभ होता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल होते हैं, तो तिल किसी स्थान पर शुभ फल देने वाला होता है, किसी स्थान पर तिल अशुभ फल देने वाला भी होता है। लेकिन आज हम यहाँ चर्चा करते हैं कि किन स्थानों पर तिल होने से हमको धन योग या राजयोग की प्राप्ति होती है। जैसे हथेली के मध्य में तिल होता है तो कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत धनवान है, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। वैसे ही शरीर के कुछ अन्य अंग ऐसे भी माने जाते हैं जिन अंगों में यदि तिल रहता है तो वह तिल शुभता को देने वाला होता है, धन देने वाला होता है और राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। जैसे दाहिने गाल पर यदि तिल हो तो यह सौभाग्यशाली माना जाता है। इस व्यक्ति के सारे कार्य जो हैं, जिन कार्यों को वह प्रारंभ करता सारे कार्य सफल होते हैं। दूसरा स्थान हथेली के बीचों बीच में तिल हो और यदि हम हथेली को बंद करें, मुट्ठी बांधे और वह तिल यदि ना दिखाई दे, अर्थात बिल्कुल हथेली के बीचों बीच में यदि तिल हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। वह उसके पास ऐसा राजयोग होता है कि उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। नाक पर यदि किसी के तिल है तो वह अच्छी किस्मत वाला माना जाता है, सुख सुविधाओं से संपन्न रहता है, वाहन भवन इत्यादि के उसको अच्छे योग माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कमर पर तिल है तो धनवान माना जाता है, सुंदर होता है और वह आकर्षक व्यक्तित्व का भी स्वामी होता है, ऐसा हमारे वास्तु शास्त्रों में माना गया है। यदि अंगूठे में किसी व्यक्ति के तिल हो तो उसको सारे कार्यों में सफलता प्राप्ति होती है, उसके कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है। किसी के माथे के मध्य में, भवों के मध्य में यदि तिल हो तो वह व्यक्ति मान सम्मान को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, राज पद को प्राप्त करता है और हमेशा जहाँ भी जाता है वह सभा में हमेशा सम्मान को प्राप्त करता है। इसके साथ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि हमेशा पुरुषों के दाहिने भाग के तिल को शुभ माना जाता है और स्त्रियों के बाएं भाग के तिल को शुभ माना जाता है।